हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स पढ़े थे मैथ के अंदर। आज हम स्टडी कर रहे हैं कार्ले हैमिल्टन थ्योरम। कार्ले हैमिल्टन थ्योरम जो है वो इसी पर ही बेस्ड है। आपने कल लास्ट टाइम क्या किया था, ए माइनस के लैम्डा इक्वल टू जीरो करके एक पॉलिनोमियल बनाया था जिसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल का नाम दिया था। कार्ले हैमिल्टन थ्योरम हमें कहती है कि अगर लैम्डा की जगह हम ए पुट कर देते हैं तो वो थ्योरम हमारी क्या होती है, वेरीफाई हो जाती है। कैसे, जैसे अपन ने ए लिया, ए माइनस के लैम्डा ही किया, लैम्डा इस हमने पॉलिनोमियल बना दिया। उस पॉलिनोमियल के अंदर जहाँ जहाँ लैम्डा है अगर वहाँ पर ए प्लस कर दिया जाए, ए पुट कर दिया जाए और उसको सोल्व करें, ए स्क्वेयर निकालें, ए स्क्वेयर माइनस के 7a जब हम करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो इसका मतलब कार्ले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई होगी। कई बार क्वेश्चन में ये कह रहता है कि पहले कार्ले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करो और उसके बाद उसका इन्वर्स निकालो। उस केस में आप क्या करोगे, पहले ए माइनस के लैम्डा ही लेंगे, ए माइनस के लैम्डा ए को क्या पुट करोगे, जीरो पुट करोगे, फिर लैम्डा की जगह पे क्या पुट करेंगे, ए पुट करेंगे। एक बात तो ध्यान रखनी है कि जब ये कांस्टेंट टर्म हमारे पास होती है तो उस कांस्टेंट टर्म के साथ हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा देते हैं। ए स्क्वेयर का मतलब क्या हुआ, ए की ए से मल्टीप्लाई करनी है, माइनस के 6 से करना है, प्लस में 5i करना है। फिर जब इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन में पुट करते, वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। इसका मतलब कार्ले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई होगी। अगर वो इन्वर्स निकालने के लिए कहता है तो हम ए इन्वर्स से पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए इन्वर्स की जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बचेगा, 6i बचेगा और 5 ए इन्वर्स बचेगा। तो 5 ए इन्वर्स की वैल्यू क्या होगी, 6i माइनस के क्या होगा, ए हो जाएगा। तो ए इन्वर्स की वैल्यू क्या होगी, 1/5 6i माइनस के क्या होगा, ए हो जाएगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू होगी वो हमें क्या देगी, इन्वर्स देगी। इसके क्वेश्चंस मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ जो आपने करने हैं अभी, ठीक है।